पलवल हरियाणा वाले भैया के। बहुत जोरदार मुकाबला चलता हुआ बिलासपुर से पलवल हरियाणा। गोला कर दे, तीन कर दे। मिश्रा जी को सामूहिक टैकल करते हुए पलवल दोनों ही टीम का एक एक अंक से खाता खुल चुका है। अब मैच शुरू होता हुआ लीजिए आठ नंबर के रेडा रेड डालते हुए छह के डिफेंस पर बिलासपुर के ग्राउंड में और रेड पर बी रेड नौ नंबर के जर्सी में काफी चतुर और हृष्ट रेडा पूरे सातों को एक साथ उठाकर लाने का ताकत रखते हुए लेकिन इस बार परस्यूट संजय के द्वारा काफी जबरदस्त परस्यूट यही होता है। धीरे को आप इसी तरह से ही आप बाहर कर सकते हैं। इस बार दस नंबर के चेस्ट में रेड डालते हुए पलवल के ग्राउंड पर काफी जबरदस्त पूरे डिफेंडर को इधर से उधर छकाते हुए लेकिन इस बार खाली हाथ हुआ था। शॉटिंग नहीं, वन प्लेयर कंट्रोल टीम। काफी चतुर रेडा जोरदार खुद हुआ पलवल के रेडा पांच के डिफेंस में रेड डालते हुए लेकिन इस बार खाली हाथ वापस फिर चले दस नंबर के ढाकर रेड बिलासपुर के तरफ से एक पॉइंट अर्जित करने में सफल और रिवाइवल किया है संस्कार मिश्रा जी को महाराज काफी लंबे कद के ऑलराउंडर और एक पर है संजय मैं तारीफ करना चाहूंगा दोनों तरफ से जो लाइनमैन खड़े हैं एक तरफ लोकेश और एक तरफ राहुल राहुल और लोकेश बहुत सारे मैच में जो है लाइनमैन का कार्यभार संभाले हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और होनहार इस आयोजन के सदस्य राहुल एक पॉइंट बढ़ता हुआ बिलासपुर के खाते में स्कोर जो पहुंचा है चार बिलासपुर पलवल दो। धीरे धीरे कोशिश करते हुए लेकिन इस बार जबरदस्त टैकल लीजिए आ गए हैं महाराज जी रेड डालते हुए चार के डिफेंस में 11 नंबर के ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी और ज्यादा बचे गए हल्के से मिस्टेक और सामूहिक टैकल का शिकार हुए महाराज थोड़ी सी चूक से बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। अब कुछ समय उनको अपने टीम मेंबर के थोड़ा दूर जाना पड़ेगा और देखते हैं उनका टीम मेंबर उनको अपने पास ला पाते हैं नहीं। देखिए अब मैच का हाल बिलासपुर पांच और पलवल तीन और एक बार बीले पांच का डिफेंस रेडी का जिम्मेदारी संभाल के रखे हैं शुरू से लेकर अब तक
अनिश्चित ही एक पॉइंट मिलेगा। प्रत्येक मैच में प्रत्येक रेड ने अपनी भूमिका बड़ी ही बखूबी के साथ निभा रहे हैं। बोनस भी आम है और डिफेंडर भी आम है। देखते हैं फिर से यहाँ पर मेरे बिलासपुर वाले भैया जा रहे हैं अपनी रेड करने। देखते हैं क्या कर पाते हैं चार डिफेंडर में। और ये क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त नंबर को बाहर किया, उठा लिया गया क्या। महाराज आ गए फिर से। आइए आइए देखिए। और ये जबरदस्त, अरे पैदल चलते हुए लेकर एक पॉइंट। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खुश, अति उत्तम, अति 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 उत्तम। आपके लिए जितनी भी तारीफें करें उतनी कम है। जिस प्रकार आपका कट्टा भी है आप उतने ही फायदा उठा रहे हैं और अपनी टीम के लिए इतना ज्यादा योगदान दे रहे हैं। लगता है ये टीम बड़ी भारी पड़ेगी। और ये हो गई बिलासपुर 8, पलवल हरियाणा 5। और फिर से वहां पर देखने को मिलेगा। और ये जबरदस्त जंप मारते हुए लेकिन भागा जा चुके। क्या करें भाई, कबड्डी है, यहाँ पैर पकड़ो और खींचो क्योंकि जिंदगी का भी एक उसूल होता है। जब आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो कोई ना कोई आपके पीछे से पैर खींचता ही है और खींचता ही है। कबड्डी भी सेम टू सेम है। और ये रहे एक पॉइंट फिर से मिलता हुआ। और देखिए प्रवीण भाई यहाँ पर स्कोर हो चुका है 8-8। इसको मिला पर 3 मैच हो जाएगा जिसमें टाई टाई और टाई का हो जाएगा मैच। देखते हैं क्या होता है। आंखों का हाल आपके साथ है। बिलासपुर 8 और पलवल हरियाणा 8। टाइम आउट। एक टाई मैच खेल चुकी है बिलासपुर लेकिन अभी फर्स्ट हाफ चलता हुआ। मस्ती विजय संजय के लिए। अब देखते हैं दोनों ही टीम के लिए जो है काफी तादाद में जो है सपोर्टर्स भरे पड़े हैं यहाँ पर। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि फलना टीम हारेगा। दोनों ही टीम को जीतने के लिए कहा गया बराबर की सपोर्ट 50-50। हार जीत तो आखिरकार लगा ही रहता है और जीत गए तो कामयाबी मिलती है और हार गए तो अनुभव मिलता है। दोनों में ही फायदा है और जो इस बार हारेगा वो अगली बार अपने अनुभव के दम पर जीतेगा और जो जीतेगा वो अगली बार अपने कामयाबी को लेकर और भी उछलने को छूएगा। तो चलिए एक पॉइंट के साथ यहाँ पर बिलासपुर हो गए 9 और पलवल हरियाणा 8। एक पॉइंट की लीड, ज्यादा लीड नहीं है क्योंकि यह लीड कुछ ही पल में खत्म हो सकती है, बराबर भी हो सकता है। यदि दर्शक चाहते हैं कि यह पॉइंट रहे तो चिल्लाएं पर बोलो भारत माता की। महाराज चार डिफेंडर के सामने एक रेडर, लंबे ऊंचे लंबे ऊंचे करके खिलाड़ी। वो गाना है ना एक ऊंचे लंबा कद सुना है ना। और ये अपने कद का भी तो फायदा उठाते हुए टच का प्रयास असफल रहे, अपनी कोर्ट में वापस जाएंगे। लगता है ये चले गए। Thank you.
एक पॉइंट से पीछे चलती हुई पलवल बिलासपुर से इस बार कैप्टन वीरेन रेड पर दर्शकों के द्वारा वीरेन की सपोर्ट में काफी लंबे करके संस्कार मिश्र इस बार एडवांस टैकल नुकसान भरना पड़ेगा टीम पलवल सोचा पहुंचा है बिलासपुर बस पलवल और रेड पर कौन है संजय आठ नंबर के चर्ची में छह के डिफेंस में बोनस ऑन है उनके लिए बिलासपुर के कैप्टन को कोर्ट से बाहर रखा है काफी जबरदस्त रणनीति टीम पलवल के तरफ से और रेड पर महाराज अपने कैप्टन को रिवाइवल करने के लिए काफी कोशिश मशक्कत करते हुए लेकिन इस बार दो पॉइंट हासिल किए स्कोर जा पहुंचा है बिलासपुर 12 पलवल अपनी नौ पर पलवल के तरफ से चतुर्वेदर रेड डालते हुए बिलासपुर के ग्राउंड पर सुपर टैकल ऑन है और रेड पर महाराज इतिहास गवाह है कि महाराज बहुत सारे मैचेस में सुपर टैकल हुए लेकिन इस बार सफलता हासिल करते हुए स्कोर जा पहुंचा बिलासपुर का 16 अब भी पलवल 9 पर फिर से एक बार संजय देखिए अब बिलासपुर जीतेगा का आवाज आ रहा है लेकिन जैसे ही फर्स्ट हाफ समाप्त हुआ तो बिलासपुर के सपोर्ट में कोई नहीं था क्या आप बिलासपुर जीतेगी पलवल भी जीत सकती है उनके अंदर जोश और जुनून कुछ कुछ के भरा है और कभी भी हम इस मैच की दशा और दिशा में हम बदल सकते हैं टीम पलवल और रेड पर भी रहे फिर से महाराज चले पलवल के ग्राउंड पर लेकिन जबरदस्त रेडिंग दो पॉइंट हासिल की संस्कार मिश्र बहुत सुंदर फिर से एक बार सुपर टैकल ऑन है पलवल के लिए बहुत जबरदस्त अवसर हो सकता है महाराज रेड पर लेकिन बार बार दो गलती नहीं करना चाहते महाराज दो मिनट नजर हटी तो ये पूरी
स्कोर बोर्ड भी बदल के रख दी गई। बिलासपुर 22 और पलवल हरियाणा 15। देखते हैं ये सेकेंड हाफ की 5 मिनट और 30 सेकंड की ये टाइम बाकी है, और 5 मिनट 30 सेकंड में क्या पलवल हरियाणा इस लीग को कवर कर पाती है। दर्शक बंधु क्या चाहते हैं और क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि जो चाहते हैं वो होता नहीं और जो होता है वो हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि भगवान हमेशा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, और जो हमारे लिए अच्छा होता है वो किसी को पसंद नहीं आता। आपको पसंद दूसरे को पसंद नहीं है, आपको जो पसंद आता है किसी को पसंद नहीं आता। हाँ ऐसा होता है, और सब अपनी अपनी पसंद है, क्योंकि अपनी लाइफ जीने का हर किसी को हक होता है, और अपनी लाइफ में अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो दूसरे के पसंद ना पसंद से कोई और ऑब्जेक्शन नहीं होता। और ये फिर से धर समझे गए मेरे काफी बात बाद भाई, सुबह सुबह ये पसंद ना पसंद वाली बात कहां से है। अब दर्शकों के चेहरे को देखकर लग रहा है कि उनको जो पसंद था वो हुआ नहीं, और जो हुआ है वो पसंद नहीं, और लगता है बिलासपुर इस मैच को विनिंग में लेकर जाएगी और फाइनलिस्ट खेलेगी, क्योंकि टाइम बचा है आखिरी 4 मिनट का, और हो भी क्यों नहीं, पलवल जो है हमारे छत्तीसगढ़ के मेहमान स्वरूप आज हमारे चौथा पाली के पवन पर पदार्पण किए हैं और इस टूर्नामेंट में भाग लिए हैं, तो सपोर्टर्स जो है पूरे दर्शक बंधु उनके सपोर्ट में है। लगातार रेगर आउट और डिफेंडरों को लाकर बिलासपुर की टीम ने अपने लीड को काफी बढ़ा ली है, क्योंकि 27 और 9 इस दोनों के बीच का फासला बहुत बड़ा होता है दोस्तों, और 3 मिनट का समय शेष बाकी। इसी तरह से मैच जो है समाप्त तो होता हुआ, और ये आपके सामने मौजूद है सेकेंड फाइनलिस्ट बिलासपुर।